इसका इस बार हमने नाम रैंक प्लस EPL रखा है। इसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं जिसमें कि सारे मेजर हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, SR कल्ला, JNENT, CKS, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल सारे इसमें शामिल हैं। हम लोग इसमें ऑक्शन करते हैं। 260 खिलाड़ी इस बार हमारे पास रजिस्टर्ड हुए थे जिसमें से सारे खिलाड़ियों का ऑक्शन किया गया। एक एक टीम को 15 प्लेयर दिए गए हैं जिन्होंने अपने ओनर्स ने और फ्रेंचाइजीज ने अपने ऑप्शन से अपने आप लिए इन खिलाड़ियों को। अभी टूर्नामेंट हमारा मंडे से स्टार्ट होगा। इस टूर्नामेंट में बेसिकली जो डॉक्टर्स की हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग 1.5-2 महीने हम इतना साथ रहते हैं कि आपस में घुलना मिलना, आपस में अपनी हेल्थ के लिए प्रिपेयर करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस EPL से हमें फ़ायदा होता है। इस टूर्नामेंट में हम जो प्राइज मनी रखते हैं वो करीब फर्स्ट प्राइज इज 1 लाख रुपये और सेकेंड प्राइज 50,000 रुपीज़ है। बाकी एवरी मैच के साथ जो जिस दिन जो मैच जीतता है उसमें मैन ऑफ द मैच, बॉलर ऑफ द मैच और फील्डर ऑफ द मैच और बैट्समैन ऑफ, ये 4 प्राइज हम लोग डेली देते हैं। डेली जिस दिन टूर्नामेंट होता है उस दिन हम डेली मैच होता है उसके साथ हम लोग देते ही देते हैं। ये इस बार हमने फर्स्ट प्राइज मैन ऑफ द सीरीज में मोटरसाइकिल देंगे और मैन ऑफ द जो मेजर रनर होगा, मेजर रन बनाने वाला होगा उसको एक साइकिल प्रेजेंट करेंगे, स्पोर्ट्स साइकिल। इस टूर्नामेंट में इस बार हमने जो मोटो रखा है वो है हेल्दी हार्ट फॉर ऑल, क्योंकि हमारे कई डॉक्टर्स हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम से इस बार एक्सपायर हुए हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, नॉट ओनली डॉक्टर्स बट जनरल पब्लिक के लिए भी हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि अपने हार्ट को अपने को हेल्दी रखना है। इसके लिए जो जो हमें मोटिवेशनल कार्यक्रम करने पड़ेंगे, हमें जो जो जिस तरीके से भी इस अपने स्क्रीनिंग करानी है, क्या करानी है, जितनी भी स्कीम्स होंगी उनके तहत हम कोशिश करेंगे कि हर बंदे का हार्ट हेल्दी रहे। थैंक यू। ठीक है। EPL के जनक हैं, ये इन्हीं की सोच है, इन्हीं का थॉट प्रोसेस है और आज हम 16वें संस्करण में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने बताया इस बार जो मोटो है, थीम है, हेल्दी हार्ट फॉर ऑल है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स प्रीमियर लीग अपने आप में पूरे देश में एक अनूठी प्रतियोगिता है। इस प्रकार की इतने मैसिव स्केल पे क्रिकेट की डॉक्टर्स के बीच में कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है पूरे देश में। तो इसका 16वां संस्करण है, इसीलिए हम आपको ये ब्रीफ करना चाह रहे थे। और जो टूर्नामेंट है ये शुरू हो जाएगा परसों से, जयपुरिया क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड में ये खेला जाएगा और बहुत अच्छा जो वेन्यू है वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम आम जन तक DPL के माध्यम से एक सोशल कॉज, एक सेहत बनी रहे सबकी, वो एक मैसेज देना हम चाहते हैं। डॉक्टर्स के बीच में भी इससे प्रेरणा रहती है। हमारे कई डॉक्टर्स जो रेगुलरली डॉक्टर प्रीमियर लीग खेल रहे हैं पूरे साल भर तक इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, वो अपने को फिजिकली फिट रखते हैं ताकि वो अच्छा पार्टिसिपेशन कर सकें। ये देखते ही देखते 4 टीमों से शुरू हुआ था, आज ये 16 टीमों पर है। हमको टीम्स अब इतनी आती हैं कि कर्टेल करनी पड़ती हैं, इतनी इस टूर्नामेंट की डिमांड है। पूरे प्रदेश से, राजस्थान से इसमें चिकित्सक भाग लेते हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हों और चाहे RMC रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हों, वो सब इसमें आते हैं। समापन आमतौर पर 7 मार्च इसका जो डेट कंक्लूजन की रहेगी, 29 फरवरी से शुरू होकर, और बहुत लंबा चलता है टूर्नामेंट क्योंकि काफ़ी टीम्स होती हैं। राउंड रॉबिन में ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड होकर टीम होती हैं और इनका टीम का ऑक्शन हो चुका है, टीम्स डिवाइड हो चुकी हैं और कौन सी टीम कौन से ग्रुप में रहेगी ये डिसीजन हो चुका है। और मैं फीमेल EPL ऑर्गेनाइजिंग मेन कोऑर्डिनेटर भी हूँ और ऑर्गेनाइजर भी हूँ। जैसे आपने पूछा कि इसके लिए जो गेस्ट ऑफ हमारे जो चीफ गेस्ट है वो आर्मी कमांडर मिस्टर धीरज सेठ हैं, वो रहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल, ही इज़ द आर्मी कमांडर ऑफ पूरा नदन पार्ट, तो वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। उसके साथ में DGP हैं राजीव शर्मा जी, DGP राजीव शर्मा जी हैं और प्रिंसिपल साहब डॉक्टर राजीव बगरट्टा जी हैं, वो हैं हमारे गेस्ट। और IAS ऑफिसर्स भी हैं, कई लोग हैं डिग्निट्रीज जो कि हमारे इसके इनॉग्रेशन के ऊपर हैं। और हम लोगों का जैसे फीमेल DPL स्टार्टिंग स्टेज मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 टीम्स थी, एक प्राइवेट की और एक गवर्नमेंट की। धीरे धीरे
सबसे ज़्यादा जो एक बॉन्डिंग हम लोगों में आपस में जुड़ती गई, और आज जैसे कहते हैं ना कि अकेले चलते चलते इतना लंबा कारवा बन गया है कि आज हमारे पास में 8 टीम्स हैं, और स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स के लिए समय निकाल के क्रिकेट खेलना, जिसमें उनके बच्चे भी हैं, उनका करियर भी है, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी साथ ही में चालू होते हैं, पर सबको मैनेज करते हुए, क्योंकि डीपीएल एक उनको मतलब एक ऐसे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है कि सब लोग किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो फिज़िकली फिटनेस तो एक है ही, प्लस मेंटल फिटनेस जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो जो हमारा जो स्ट्रेस है, प्रोफेशन का जो स्ट्रेस है, वो पूरा का पूरा हम डी-स्ट्रेस हो जाते हैं बाय दिस डीपीएल। और साल में हर बार इन 2 महीनों का इंतज़ार सभी डॉक्टर्स करते हैं, और हर एक मुँह मतलब वर्ड ऑफ माउथ से जोड़ते जा रहे हैं। तो यही आज हमारी सबसे बड़ी सफलता है।